आजकल के ज़माने में हर कोई सारी सुविधाओं से युक्त चीज़ें पाने के लिए क्षमता न होने पर भी प्राइवेट अस्पताल जाता है ताकि अच्छा इलाज मिल सके। सरकारी अस्पतालों में लोगों को लगता है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन इसी बात को गलत साबित करते हुए उड़ीसा के मलकानगिरी के कलेक्टर मनीष अग्रवाल ने अपनी पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाई, जबकि वे कलेक्टर हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो चाहते हैं तो किसी भी बड़े अस्पताल में अपनी पत्नी को आसानी से ले जा सकते थे और वहां उनका इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी पत्नी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। अफसर का ये कहना है कि हमने जिला अस्पताल में प्रसव से पहले जाँच करवाई थी, तभी हमने ये फैसला ले लिया था कि हम यहीं डिलीवरी करवाएंगे। हमें यहाँ सारी सुविधाएँ मिली और वो सारी सुविधाएं मिली जो प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलती है, इसलिए हमने यहाँ इलाज करवाने का फैसला लिया। एक आईएएस अफसर का ये कदम सबके लिए प्रेरणादायी है, उनके लिए भी जिन्हें ये लगता है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है। आखिरकार एक आईएएस अफसर ने अपनी पत्नी का इलाज सरकारी अस्पताल में करवा कर सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत कायम कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।